नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और हम है ऋषिराज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश के सबसे आधुनिक हथियारों के मेले में। भारत तक आपको दिखाएगा भारत में किस तरीके से आधुनिक हथियारों का मेला लगा है, इस मेले में कैसे कैसे हथियार आए हैं, देश की सेना को आने वाले दिनों में कौन से हथियार मिलने वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ऐसा क्या तैयार किया है कि चीन और पाकिस्तान तमाम उनकी चालें नाकाम होने वाली हैं, और इसके साथ ही आपदा के वक्त जब आप हम यानी कि आम नागरिक देश का मुसीबत में रहता है तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, बाढ़ के वक्त अगर आप पानी में कोई डूब रहा होगा तो आप कैसे उसको बचा सकते हैं, ये तमाम तकनीक आज आपको भारत तक दिखाने जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक्सपो में हैं इस वक्त हम, और इस वक्त मेरे ठीक पास में ये तीन अत्याधुनिक, तीन से चार हथियार आप देख रहे हैं, काफ़ी अत्याधुनिक हथियार हैं जिसका देश की सेना इस्तेमाल करती है कई अलग अलग जगहों पर। इन चीज़ों की खासियत क्या है ये हम समझेंगे। कई तरह के चीज़ हैं यहाँ मौजूद हैं, चूँकि एडवांस गन हैं, वेपन्स हैं, और ये क्या कुछ हैं, इसकी खासियत क्या है, ये हम जरा समझ लेने की कोशिश करते हैं। ये अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस हथियार का नाम क्या है? मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। जो ग्रेनेड जब हम हाथ में फेंक रहा था, अभी ये इसमें डाल के हम फायर कर सकता है। अच्छा, तो ये क्या हाथ से कंधे पे उठा के किया जा सकता है? या ये शोल्डर फायरिंग वेपन है। अच्छा, ये इसमें एक ही समय में 6 बुलेट डाल सकता है। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से ये है, ये मतलब ये ग्रेनेड का साइज होगा, ये ग्रेनेड का डमी बुलेट है। ओके। जो असली ऐसे ही दिखा रहा है। हाँ। सो इसमें डालकर हम 6 बुलेट डाल सकता है, एक ही समय में 6 बुलेट आर में रख सकता है। हाँ। और इसका रेंज है 400 मीटर्स। 400 मीटर तक ये जा है, और 20 मीटर का जो इसको डिस्ट्रक कर सकता है। अच्छा, इसको कैसे कंधे पे अगर कोई रख के चलाएगा कैसे चलाएगा? क्या मैं इसको ट्राई करके एक बार ये है, हालांकि काफ़ी वजनी है लेकिन वजनदार है, लेकिन दमदार है, हम तो यही कहेंगे। इसकी वजन अगर क्या होगा? इसका वेट 5.4 kg है। ये अच्छा, और ये क्या है, ये इसकी खासियत क्या है, ये इस मॉडल का नाम क्या है? ये तो पहले हमने 5.56 वेपन राइफल अकेले यूज़ कर रहा था। हाँ। अभी हमने ये मॉडिफाई किया है, इसके में जो ग्रेनेड लॉन्चर। हाँ। तो भी इसके साथ ही यूज़ कर सकता है। अच्छा, ग्रेनेड के साथ और एक नौजवान है, इसके अभी एक ही वेपन उठने का जरूरत है, दो वेपन उठने का जरूरत नहीं है। सो एक ही समय में इसके राइफल भी मार चला सकता है और ग्रेनेड भी चला सकता है। ये काफ़ी आकर्षक है कि आप एक ही बंदूक से आपको अलग अलग असेंबली चीज़ों, ये अब असेंबल हो चुका है, इससे आप गोली भी चला सकते हैं, आप ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। इसे भारत की सेना इस्तेमाल कर रही है? जरूर, इसे बहुत उपयोग किया है छत्तीसगढ़ पुलिस और JK और आर्मी। अच्छा। सबको आपको दिया। अच्छा। अभी तक 10,000 से ज़्यादा ग्रेनेड लॉन्चर हमने बेच दिया है। सक्सेसफुली काम कर रहा है। वजन, इस मॉडल का नाम क्या है? UBGL फिटेड विद 5.56। अच्छा, और इसमें भी ग्रेनेड इसी साइज का? हां, सेम 40mm का उपयोग होता है। अच्छा, और ये इससे कितने दूर तक काम निशाना लगा सकते हैं? 400 मीटर है भी। ये भी 400 मीटर है, एक गोली 300 मीटर। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है ये? ये अभी AK-47 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका नाम है ट्रिची असॉल्ट राइफल टार, मतलब तमिलनाडु में जो एक शहर है ट्रिची, सो वहाँ से वो बना रहा है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है ट्रिची असॉल्ट राइफल। ट्रिची के नाम पर ये रखा गया है। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, कितने दूर तक ये? 300 मीटर का रेंज है इसका। एक ही बहुत सा फायदा हुआ है, ये जो बॉडी इसका है ये सिंगल लोहे से बना हुआ है, मशीनिंग किया है। जो अभी ये 5.5 देख रहा है, जो AK-47 में होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट रिपीट कर गया, सो इसमें 15 कंपोनेंट रिपीट होकर मिला, मगर इसमें तो सिर्फ 4 कंपोनेंट होता है। सो इसके वजह से इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी। लोहे से इसका इस्तेमाल किया गया है, एक लोहे से इसे लंबे दूर तक बनाने की कोशिश की गई है जिससे ये ज़्यादा बेहतर काम कर सके। अच्छा, ये क्या वही मॉडल है या ये कुछ दूसरा है जो पहले हमने देखा था? ये मल्टी शेल लॉन्चर है। अच्छा। ये 30mm का है, ये आंसू टीयर गैस
टीयर गैस मारने का है, यह भीड़ को हटाने के लिए पुलिस वगैरह यूज कर रहा है। जो पहले हमने फर्स्ट लॉट किया है वो छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दिया, मगर जेके पुलिस ने वहाँ से एयरलिफ्ट कर इसका उपयोग किया है, बहुत काम आया इसको। अच्छा, बहुत काम आया। अच्छा, इसमें एक साथ कितने वो छः बुलेट जो है फंक्शन ऐसा है, मैनुअल इंडेक्सिंग है मगर MGL ऑटो इंडेक्सिंग होता है। बेहतरीन है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये काफ़ी अत्याधुनिक हथियार है। और भी बहुत कुछ है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक्सपो में लगाया गया है। जिस कवच की बात की जा रही है, अब हम आपको उस कवच के पास लेकर चलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस कवच की खासियत क्या है। मेरे ख्याल से यही वो कवच है, इसका जिस तरीके से इसकी खासियत क्या है हम ये समझने की कोशिश करेंगे और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है ये भी हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अत्याधुनिक हथियार धीरे धीरे भारतीय सेना को डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए दिया जा रहा है और किस तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये भी बताया, हमने दिखाया कि किस तरीके से अब वजन जो है पहले के मुकाबले कम किया जा रहा है, लाइट वेटेड आर्म मशीन्स बनाई जा रही हैं जिसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और दुश्मन को सटीक निशाने के साथ टारगेट किया जा सके। हमारे अब हम इस कवच पर के पास हैं और इस कवच को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कवच है। भाभा कवच इसका नाम दिया गया है, ये भाभा कवच है। अच्छा, ये जो बनाने का जो, क्योंकि पहले जिस तरीके से इस्तेमाल होता था ये पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में जो जैसे कितना बदलाव आया है, क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट काम उतना नहीं कर पाते थे। बीच में अब खबरें आई कि चीन जो है वो स्टील के भी बुलेट इस्तेमाल, हाँ हार्ड स्टील के, उसको लेकर भी भारतीय सरकार ने काफ़ी चिंता जताई, तो क्या ये उसको भी भेजने में कामयाब होगा? ये जो आप बुलेट प्रूफ जैकेट देख रहे हैं ये एक उत्कृष्ट श्रेणी की जैकेट है जिसका पूर्ण स्वदेशीकरण किया गया है। और ये जैसे आपने बोला कि चीन में हार्ड स्टील कोर की बुलेट आ रही है, ये हार्ड स्टील कोर की बुलेट को भी रोकने में पूर्णतः सक्षम है और इसका परीक्षण हो चुका है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में, ये परीक्षित की गई थी और उसमें ये हर मानक के ऊपर खरी उतरी है। मतलब देखिए, जो चीन खुद इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही साथ वो पाकिस्तान को भी उसी तरीके की बुलेट्स दे रहा है, स्टील वाली बुलेट्स जिसका भारतीय सेना पर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बॉर्डर पर फोर्सेज रह रहे हैं उनके खिलाफ जो आतंकी हैं उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है पाकिस्तान के रास्ते, उसका तोड़ है ये। उसके बारे में बताया जा रहा है कि टेस्ट हो चुका है और ये हम कब उम्मीद कर सकते हैं ये कि कब तक हमारे ये हम अपने जो सरहद पे तैनात जवान हैं, पैर अर्धसैनिक बल हैं और दूसरे स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं जो नक्सलाइट से लोहा ले रहे हैं, उनको हम ये 5-6 महीने में उपलब्ध करा देंगे जैकेट, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और वो अच्छे रूप से पूरे देश की रक्षा करने में सक्षम हो सकेंगे। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताया जा रहा था कि ये जो नेक पे भी है, हालांकि ये काफ़ी सॉफ्ट बताया है। हाँ, ये जो नेक के ऊपर है, गर्दन के ऊपर जो है, ये सॉफ्ट आर्मर है। लेकिन ये 9 mm कार्बाइन रोकने में सक्षम है। अच्छा। क्योंकि जब कोई भी सैनिक अपना ड्यूटी पर निकलता है तो उसकी मैनेवरेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो गर्दन को घुमा सके। अगर इसको हार्ड सरफेस का बनाएंगे, हार्ड प्लेट का बनाएंगे, तो उसकी मैनेवरेबिलिटी नहीं रहेगी। इसके मॉडल को मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे प्रैक्टिकली पहन सकें, ऐसा ना हो कि आप पहन लें और उसके बाद आपको गर्दन घुमाने की, मतलब आप घुमा ही ना पाए, तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप आसानी से गर्दन भी आप घुमा सकते हैं। अच्छा, इसके साइड के हिस्से भी मैं देख रहा हूँ कि ये भी काफ़ी सख्त है, ये भी इसी क्षमता पर है या बिल्कुल ये साइड में प्लेट्स हैं इसमें। अच्छा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये 360 डिग्री का प्रोटेक्शन देती है, ये चारों तरफ कवच दे रही है जिससे हर किस्म के बुलेट को रोकने में ये सक्षम है। जैसे मैंने बताया कि हार्ड स्टील कोर 7.62, सॉफ्ट स्टील कोर 5.56, AK-47 और 9 mm की कार्रवाई रोकने में पूर्णतः सक्षम पाई गई है। अच्छा, ये इसका नाम भाभा कवच दिया गया है, तो इन नाम के पीछे, हाँ वो मैं बताता हूँ कि इसमें अलग ही किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। हमने बाग से टेक्नोलॉजी ली है, कार्बन नैनोट्यूब का स्प्रे किया है जिससे इसकी जो प्लेट बनी हुई है उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अच्छी है और हम ये कहते हैं कि ये 5 साल तक इस जैकेट का कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाए, पानी में अगर हमारा सैनिक 8 से 10 घंटे भी खड़ा रहता है तो ये अंदर की प्लेट जो है इसकी उसी स्तर पर रहेंगी, स्तर में कोई कमी नहीं आने वाली है। अच्छा, और ये सब कुछ टेस्ट हो चुका है, ये सब परीक्षण हो चुके हैं और उनके मानकों के ऊपर सारा खरा पाया गया है।
ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें, और जैसा कि इन्होंने जानकारी भी दिया है कि जल्द ही ये भारतीय सैनिकों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जो सुरक्षा कर्मी हैं उन तक भी पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। वो तमाम तरह के इलाके हो सकते हैं, सरहदी इलाके हैं, नक्सलियों से जहाँ हमारे जवान भिड़ रहे हैं वहाँ के लिए भी हो सकता है। अच्छा, भाभा कवच, हम नाम पर अगर जैसे जाएँ तो भाभा कवच ही नाम क्यों दिया गया? भाभा कवच इस वजह से दिया गया है कि इसमें जो कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी ली गई है वो बाघ से ली गई है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसी वजह से इसका नाम जो भाभा कवच दिया गया है। ये पूरी तरीके से शुद्ध मेक इन इंडिया है, ये पूरी मेक इन इंडिया का एक बहुत अच्छा ही उदाहरण हमारे रक्षा उत्पादों में से एक है। और ये हमारे जो सरहदों पे जवान तैनात हैं, जो हमारे नक्सलाइट से लोहा ले रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के अंदर ही, और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं, और इस एग्जीबिशन में आने के बाद जो इसको लोगों से रिस्पांस मिला है, पुलिस फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से और दूसरे लोगों से, वो बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि भारत इस जैकेट को बनाने में पूर्णतः सक्षम रहेगा और हमको किसी के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस वक्त हाथ में आप देख रहे होंगे हथियार है, वो भी बिल्कुल मैंने एक हाथ से इन दो हथियारों को पकड़ रखा है, यानी कि संदेश साफ है कि ये बिल्कुल हल्का है। इन हथियारों का इस्तेमाल कहाँ होता होगा ये जरा हम आपको बता देते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश की जो मतलब जो सुरक्षा प्रणाली है उसमें कितनी तेज़ी से बदलाव किया जा रहा है ताकि आप सुरक्षित रहें, यानी कि इसमें सरकारों की प्रोसेस भी इन्वॉल्व है जो इसको लगातार मंजूरी दे रही है, अपग्रेड करने पर चिंता जता रही है, और साथ ही वो फैक्ट्रियाँ भी इसमें इन्वॉल्व है उस पूरे प्रोसेस में जो लगातार हथियारों को अपग्रेड करके इस्तेमाल करने लायक बना रही हैं और तमाम परेशानियों को दूर कर रही हैं। मेरे हाथ में दो हथियार हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस हथियार से, इस मॉडल का क्या नाम है? इस मॉडल का नाम निर्भीक रिवॉल्वर है, पॉइंट ये 0.32 बोर की होती है। अच्छा। ये निर्भीक, जब ये दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो वीमेन सेफ्टी के लिए हमने ये एक डेवलप किया वेपन, ये कन्वेंशनल स्टील का ना होके टाइटेनियम अलॉय का है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी लाइट, काफ़ी हल्का है ये, और इसमें बिकॉज टाइटेनियम का है तो रस्ट नहीं लगेगा, मेंटेनेंस फ्री है, तो वीमेन इजीली इसको हैंडल कर सकती हैं और उनके साथ में ये मतलब कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि ऑयलिंग टाइम पे हुई या ना हुई, तो ये रस्ट फ्री है। तो अच्छा देखिए, इसमें सबसे एक और खास फीचर ये है कि इसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब अगर आप मौके पर फंस गए हैं तो आपको ज़्यादा दाव पेच नहीं करना है, इसमें लॉकिंग सिस्टम एक बस बटन के दबा आ रहे है, ये बटन दबाया आपने और वो मतलब चलने के लायक हो गए, और आपने एक बटन दबा दिया ये लॉक हो गया, यानी कि इस्तेमाल करना भी इसको बहुत आसान बना दिया गया है। और जैसा कि बताया जा रहा है ये रस्ट फ्री है, तो आपको ऑयलिंग के लिए, इसके लगातार मेंटेनेंस के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी कीमत क्या तय की गई है भारतीय बाज़ारों में? ये अभी मार्केट में अवेलेबल है और आप सीधा इंडिविजुअल जो बायर है, लाइसेंसधारी है, वो सीधा ऑर्डनेंस फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री से भी ले सकता है। इसकी इंडिविजुअल कीमत जो है 1,39,000 रुपये है। अच्छा, हाँ, ये इस्तेमाल में भी काफ़ी मुझे हल्का मालूम पड़ रहा है जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं भारतीय, इसमें कितनी गोलियाँ एक साथ आती हैं? ये सिक्स राउंड, इसमें सिक्स राउंड जो है, ये बेसिकली सिक्स राउंड का होता है, इसमें सिक्स एम्यूनिशन एक साथ आ सकता है आपका। और इसका जो फायरिंग मैकेनिज्म है, आप इसको सिंगल, जैसे इसमें हमने ये सेफ्टी लगाई हुई, अभी लॉक फ्री कर दिया, तो सिंगल राउंड के लिए आप इसको ऐसे भी फायर कर सकते हैं, एंड जब कंटिन्यूस फायर करना होता है तो ये लगातार फायर हो जाती है। अच्छा, और एक और हथियार जिसको मैंने मेरी शुरुआत में आपको दिखाई थी, ये भी वही हथियार है, एक इस मॉडल का क्या नाम है? ये हमने एक नया मॉडल डेवलप किया है, अभी ये मार्केट में नहीं आया, इसका नाम निशंक है, ये भी 0.32 बोर है, बट इसका मेन फीचर ये है कि इसकी बैरल लेंथ हमने लंबी कर दी है, दैट्स वाई इसकी रेंज जो है बहुत ही इफेक्टिवली इस रिवॉल्वर से ज़्यादा हो गई है, अभी ये 25 मीटर इसकी इफेक्टिव टारगेट रेंज है, और वैसे रेंज इसकी उससे ज़्यादा है, बट प्रिसाइजली एक्यूरेसी 25 मीटर पे अच्छी है। दूसरा एक डेवलपमेंट इसमें हमने, इसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म इसके अंदर हाउसिंग में होता है तो वो नया डेवलप किया है, तो अब ये स्मूदर हो गई है, इसको चलाने में बहुत ही कम एफर्ट लगता है। हाँ, ये काफ़ी वैसे वाकई इस्तेमाल के लिए देखा जाए तो काफ़ी बिल्कुल आसानी से आप इसको चला सकते हैं, और मुझे लगता है इसको क्या चलाने में झटका भी कम हो गया होगा इसमें। यस, इसका जो एक्चुअली क्या था कि जब ये थोड़ा
स्मूदर होने से इसका झटका कम हो गया और टारगेट एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई, बिकॉज आपका हाथ कम हिलेगा और टारगेट अच्छा लगेगा। अच्छा, और इसकी क्या कीमत आप लोग तय करने जा रहे हैं? ये कमर्शियल प्रोडक्ट होगा ये? यस, इट इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट और ये फील गन फैक्ट्री बुकिंग में भी अगस्त से स्टार्ट कर देगी इसकी। अच्छा, ये अगस्त से। और इसकी कीमत अराउंड 90,000 के आसपास रहने वाली है। हाँ, मतलब भारतीय बाजारों में मतलब ये 90,000 के अराउंड बिल्कुल चला सकने वाली कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप इस बंदूक को खरीद पाएंगे बाजार से मात्र 90,000 कीमत देकर, और चलाने में काफ़ी आसानी होगी और निशाना भी जो है इससे आप सटीक तौर पर लगा पाएंगे। इस वक्त मेरे हाथ में सबसे अत्याधुनिक हथियार है जो यूएस की एफबीआई इस्तेमाल करती है, होमलैंड सिक्योरिटी इस्तेमाल करती है, वहाँ पर एडवांस हथियारों का ये वर्जन है। और सबसे एडवांस वर्जन, इसकी खासियत ये बताई जा रही है कि ये 50-60 हज़ार राउंड फायरिंग करने के बाद भी ये कंडीशन में रहती है, ये उसके बाद भी काम कर सकती है, जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो ऐसे ही कई अत्याधुनिक हथियार हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे समझाएंगे। सर, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एडवांस मिलिट्री वेपन में जब बात आती है तो यूएस भी कहीं ना कहीं उस कतार में खड़ा रहता है। yes. तो इसकी खासियत क्या है आप हमें बताएं? यस, सो दिस पर्टिकुलर वेपन ग्लॉक 19X इज अ क्रॉसओवर बिटवीन अ ग्लॉक 17 एंड अ ग्लॉक 19। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दिस पिस्टल वाज मेड विद अ कॉन्सेप्ट दैट लॉट ऑफ फीडबैक रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंड यूजर्स। सो व्हाट वी हैव नाउ इज द फाइनल वर्जन व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय द होमलैंड सिक्योरिटी एंड फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। And this pistol has an unique marksman barrel that allows, it's got a better rifling for accuracy rate for double taps, and also has an ambidextrous side stop lever that was not available for left-handed shooters earlier. So same thing applies to the magazine belts. Right hand, left hand, दोनों के लिए? Yes, right and left hand shooters can lock back the slides now to chamber around into the barrel. So that is one aspect. The other aspect is the flared magazine wells. So that allows speed reloads. So under stress, you are able to reload the magazine faster. That's the flared magazine well that is available now. And other features include accessories mounting capability, that is the GTL 52 that we have. Yes, this is a tactical light, Glock tactical light model number GTL 52. This has an integrated tactical light, a visible laser and an invisible IR. So for ye visible laser hai isme aur ek sath ek invisible laser bhi sath mein laga hua hai. Correct, yes. So during the night operations, if you are able to use, we can use the IR, so only your forces can see the target that is painted from your weapon. So it gives you a lot of stealth and lot of concealability at some point. कि रात के वक्त अगर आप अपने दुश्मन को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई अपराधी है, कोई बदमाश है, कोई ऐसा आदमी जिसे आप टारगेट कर रहे हैं और आप उसे भनक भी नहीं लगने देना चाहते हैं, तो इसमें वो फैसिलिटी मौजूद है जहां आप टारगेट को देख सकते हैं और आप टारगेट को तय कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे कोई निशाना बना रहा है। तो ये एक बड़ी खासियत है जो बहुत कम मौजूद है इस तरीके से। अच्छा, ये खासकर मतलब अमेरिका में इस्तेमाल होता है, भारत के बाजार में भारत की पुलिस जो है या वो कौन से हथियार है जो इस्तेमाल करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल हैव जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4 वेपन्स। सो व्हाट आई एम होल्डिंग हियर इज अ ग्लॉक जेन 4 ग्लॉक 19 व्हिच इज एक्टिवली इन सर्विस विद दिस इज जनरेशन 4। इसके पहले जो हम देख रहे थे Generation 5, that's सबसे advanced. सबसे advanced, correct sir. So this is the weapon that is in service currently in India, and a lot of special forces units are actively using this weapon because of lot of rounds have been fired in this. For example, a particular unit as we had delivered some time ago, they have fired more than 30,000 rounds, 40,000 rounds, and it still continues to fire. And there's one particular agency in special, they have completed, those are generation 3 pistols, more than 1 lakh rounds and still firing. So these pistols have been abused, tortured by the end users and still surviving, and the end users come back with more feedback of procurement of possibility to upgrade the weapons to more Glocks. Right now we have a capacity of 17 plus 1 rounds magazine. 18. Yes. So the magazine capacity for the Glocks are all available. So 17 plus 1 round is available, 19 plus 1 round is available, and there are options of holding a Glock 33 round magazine in it. So yes, this will fit casually. So this will fit into any of the Glock variants that are available, Glock 17, Glock 19,
Unglock 26. और ये इसमें 26 गोलियां हैं. This is 33 rounds in this particular. 33 sir. Okay. So in case if teams are using it, two of these magazine will give them enough firepower to give suppressive fire or to engage any of their targets very effectively without having to do multiple reloads that causes delay in engaging a target. So this is something which is very unique. Target को engage मतलब कि अगर आप लगातार fire करते रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका target miss हो और किसी आपको वक्त बिना वक्त गवाए, तो आप सीधे इस magazine का इस्तेमाल करेंगे. इसमें 33 गोलियां एक साथ आ सकती हैं. आप इसके इस्तेमाल से अपने दुश्मन को निश्चित तौर पर 33 round मतलब 33 बार जब fire करेंगे तो उसमें आप आसानी से target कर सकते हैं और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 33 गोलियां इसमें एक साथ भरी लोड की जा सकती हैं. अच्छा और इसकी क्या खासियत आप बता रहे थे हमें? Yes, so again the same. अच्छा इसका वजन भी जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ एक कम हल्का है ये. This is light. These are polymer-based pistols. All the pistols that you see are all polymer frame pistols, which is a proprietary item, patented item of Glock. So it reduces the weight into weight a lot compared to the other pistols that are available. So with this particular pistol, we are looking at some weight between about 480 to 500 grams. So unloaded pistol, one of the lightest. Less than half kg. Yes. That's the lightest that is available in the pistol market on a 9mm caliber at the moment in India. इनके हाथ में एक और बेहद आकर्षक बंदूक है. काफी लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का, बेहद हल्का. आप मतलब इसमें जब आप अपने हाथ में लेंगे तो मुझे लगता है कि आज के दौर में आप जितना बड़ा फोन है, मुझे लगता है कि ये उसी साइज का ये बंदूक है. और साथ में इसकी वजन भी मतलब एक फोन के आसपास होगी और उससे ज़्यादा भारी भरकम ये नहीं होगी. इसका इस्तेमाल कैसे होता है आप अगर हमें आप बता पाएँ तो? चूँकि मेरे ख्याल से मुझे बताया गया है ये कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि ये काफ़ी हल्का है, इसे चलाना भी आसान है. और इसकी क्या खासियत है ये हम जरा समझ लेते हैं. तो ये जैसा कि आप देख ही रहे हैं काफ़ी छोटा पिस्टल है. कंसील कैरी इसका नाम है. कंसील कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है. आप इसको पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं. और आप इसका अगर मैगजीन देखेंगे तो इसमें 6+1 राउंड इन द चेंबर, टोटल 7 राउंड्स आ सकते हैं. इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है. सो इट्स लाइक दिस इज़ द फर्स्ट रेस्क्यू. अगर आपको सबसे पहला कोई स्टेप लेना है इमरजेंसी में, उसके लिए बहुत अच्छा है. अच्छा तो क्या ये भारतीय बाज़ार में उपलब्ध है ये अभी? जी हाँ, अब जब हमारी फैक्ट्री में सेल शुरू हो जाएगी वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, उसके बाद कोई भी जिसके पास में लाइसेंस होल्डर है, जो भी जिसके पास लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकता है, वो हमको कांटेक्ट कर सकता है. अच्छा, ये इसकी कीमत आप लोग क्या तय करने वाले हैं भारतीय बाज़ार के लिए? अभी उस पर काम चल रहा है, सो जब कुछ फाइनल होता है तो बताते हैं. तो आपने देखा कि इन हथियारों को किस तरीके से ये दुनिया भर में अपना कमाल दिखा रही हैं और भारतीय बाज़ार में भी इन कुछ हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है. और जो एडवांस जिसे जनरेशन 5 कहा जा रहा है, जिसे FBI इस्तेमाल करती है, जिसे वहाँ की होमलैंड सिक्योरिटी इस्तेमाल करती है, उसको भी भारत के बाज़ार में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है. प्रस्ताव दिया गया है और इस पर उच्च स्तर पर काम हो रहा है. देश में गोली चलने की घटनाएं भी बहुत आम हैं. होता यह है कि आपकी बंदूक होती है, चला कोई और देता है और कानूनी रूप से आप उस पचड़े में फंस जाते हैं. लेकिन उससे बचाने के लिए जो अत्याधुनिक तरीके से कई चीज़ों का आविष्कार और लगातार निर्माण किया जा रहा है देश के अंदर, तो अब हम आपको लेकर आए हैं कैसे स्टॉल पर, जहाँ एक ऐसे हथियारों के किट का निर्माण किया गया है जो आपको फंसने से बचाएगा क्राइम में. आपकी बंदूक होगी, कोई और अगर उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है तो आप कैसे बचेंगे, ये हम जानेंगे इस स्टॉल से और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे देश के हित में है और कैसे आपके हित में है. तो हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ? सर, मैं सौरभ पिलानिया, हंस एनर्जी कानपुर से. हमने ये बनाया है कवच. अच्छा. ये एक हॉल्स्टर है, स्मार्ट हॉल्स्टर है सर. आज की डेट में हमारे परमिशन के बिना हमारा मोबाइल कोई नहीं खोल सकता है, तो फायर आर्म कैसे यूज़ कर सकता है, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये हॉल्स्टर तैयार किया गया है, जो कि केवल एक आदमी के फिंगरप्रिंट से ओपन होगा. जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा उसी के फिंगरप्रिंट से ओपन होगा और वही इसको इस्तेमाल कर पाएगा. सबसे पहले ये बताइए, ये तकनीक हमारे देश की है या बाहर से? ये सर हमारे देश की तकनीक है, यहीं पर बनी हुई है. कानपुर में हम इसका निर्माण कर रहे हैं. ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसके ऑर्डर्स प्राप्त हो चुके हैं. उसके अलावा अलग अलग पुलिस में, आर्मी में इसके लिए बातचीत जारी है. वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको और वहाँ से भी लगातार वो लोग इसको खरीदने के लिए उत्सुक हैं और यूज़ करने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं सर. ये काफ़ी कुछ है, मतलब ये आपका पिस्टल हो गया, ये ग्लॉक के लिए है सर, ये अलग अलग रिवॉल्वर के लिए है,
ये हर एक फायर आर्म के लिए बन सकता है और बन रहा है। बड़ी बंदूकों के लिए, बड़ी बंदूकों के लिए भी है सर, उसके लिए हम उसको ट्रिगर गार्ड बोलते हैं। वो एक बायोमेट्रिक ट्रिगर गार्ड होता है जो कि ट्रिगर को लॉक कर देता है और उसमें भी इसी प्रकार से जो उसका यूज़र होता है वही केवल खोल पाता है। तो ये पुलिस वाले इसे बहुत ऐतिहासिक ले रहे हैं। वो उनका कहना है कि जब आज की डेट में वो घर जाते हैं तो वो चैन से नहीं सो पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका लोडेड रिवॉल्वर ऐसे ही रखा हुआ है, तो अभी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे कई काफ़ी सारी दुर्घटनाएं होती हैं और वो न्यूज़ में भी आती हैं। तो ये उसको रोकने में कारगर सिद्ध हो रहा है। ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से लोगों ने इसे बहुत उत्साहपूर्वक इसको ले रहे हैं। ये इसको बनाने में सर एग्जैक्ट लागत तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक MSME ऑर्गेनाइजेशन है और फील्ड गन फैक्ट्री के साथ मिल करके हमने इसको बनाया है और अब इसकी जो लागत है वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में हम इसको बेच रहे हैं सर। मतलब आपने इसको बाजार में भी उतारा है या फिलहाल ये बिल्कुल भी उतारा है सर? अच्छा, आपने इसको बाजार में उतारा है और ये बाजार में 8 से 10 हज़ार के रेंज में उपलब्ध है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप जो डिफेंस को है, पुलिस को है, आप लोग भी ये ऑफर कर रहे हैं? बेच रहे हैं सर। ऑलरेडी फील्ड गन फैक्ट्री हमें एक ऑर्डर दे चुका है, वो इसको परचेज कर रही है और वो अपने रिवॉल्वर के साथ इसको दे रही है लोगों को। अच्छा, रिवॉल्वर के साथ ही हम मतलब दे रही है। और क्या क्या मतलब सर इसके अलावा सर एक ये स्मार्ट ग्रिप है। बहुत बार हम देखते हैं कि कितने राउंड्स फायर हो रहे हैं, कहाँ फायर हो रहे हैं, इसकी कोई भी गिनती नहीं है, कोई भी आज की डेट में हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये अगर एक फायर आर्म में लगा दिया जाएगा तो ये उसकी सारी गिनती हमारे पास रहेगी कि उस फायर आर्म से कितने राउंड्स फायर हुए थे, किस समय फायर हुए थे, कहाँ फायर हुए थे, वो डाटा बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, तो ये मतलब कुल मिलाकर इसके निर्माण से फ़ायदा ये होगा कि जो मिसयूज़ होता क्या है कि कई बार हथियार तो रहते हैं कि गोली का इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर लिया जाता है और उसका फिर जो है कोई रिकॉर्ड पे प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में इस चिप का इन लोगों ने ये किट का निर्माण किया, ये कैसे इस्तेमाल होता है क्या आप बताएंगे? सर ये इसको ये ग्रिप है, ये ग्रिप हम हटा करके नॉर्मल ग्रिप ये ग्रिप लगा देंगे बस। इसमें मेरे को और रिवॉल्वर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ग्रिप जो है ये सामान्य ग्रिप की तरह ये सामान्य चिप लगी हुई है सर, और अगर इसको पिस्टल में लगाना होगा तो ये केवल एक चिप होगा। पिस्टल में ऑलरेडी जगह रहती है पहले से, वहाँ पर वो चिप जा करके बैठ जाएगा और वो अपना काम करना चालू कर देगा। तो ये आपको GPS लोकेशन तक दे देता है कि वो बुलेट कहाँ पर फायर की गई थी, तो ये सारी चीज़ें वो बता देगा। और ये एक इजरायली टेक्निक पर बना हुआ है। अच्छा। ये जो चिप है ये इजरायली तकनीक है और इसके तहत हम लोग बहुत अच्छे से अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। एम्यूनेशंस कब कौन सा एम्यूनेशन कहाँ यूटिलाइज हुआ था वो सारा डाटा आसानी से जाना जा सकता है। तो इससे मतलब कि आम तौर पर भी जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही पुलिस विभाग को, डिफेंस को एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में काफ़ी आसानी और सहूलियत प्राप्त होगी इस तकनीक से। मतलब जैसे सपोज करिए आपने कहीं CCTV कैमरा लगा दिया तो वो कैमरा देख करके ही आधे लोग सही चलना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको एक डर होता है कि नहीं हमें कोई वॉच कर रहा है। उसी तरीके से सर अगर ये चिप लग जाता है तो उसको पता है कि नहीं मैं अकाउंट फॉर हूँ, मेरी हर गोली अकाउंट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सुधरना चालू हो जाती हैं सर। शुक्रिया। तो मतलब ये वाकई एक अद्भुत तकनीक है जो आने वाले दौर में भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार हथियारों का गलत इस्तेमाल होता है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तो ले लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होने लगता है। अगर आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में जब उन्हें बंदूक इस तरीके की चिप लगाकर ही दी जाएगी तो जाहिर सी बात है उन्हें पता होगा कि वो निगरानी में है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो हथियारों के मेले में हम आपको हथियार भी दिखा रहे हैं, इसके साथ ही आपदा में कैसे आम नागरिक की सुरक्षा की जा सके बात इसकी भी की जाएगी। हम ऐसे ही एक काउंटर में पहुंचे हुए हैं, ये लाइफ बॉय नाम का एक काउंटर है और ये वो किट है जो आपको आपदा से, आपदा के वक्त में जब बाढ़ आया रहेगा, जब आप पानी में डूब रहे होंगे तो उस वक्त ये आपके जीवन रक्षक का काम करेगा। तो ये काम कैसे करता है और इन तमाम चीज़ों को हम आपसे समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये क्या है और ये कैसे काम करेगा ये? नमस्कार जी, एक्चुअली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहली बार एक ऐसी इक्विपमेंट आया है, इसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ बॉय यूसेफ। ये कहाँ का काम करता है? अभी तक हमें कोई कैजुअलिटी पानी में डूबता हुआ दिखता है सपोज़, हाँ भाई हम क्या यूज़ कर रहे थे, पुराना
ओल्ड बॉय जिसकी एक लिमिटेड रेंज है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक रस्सी फेंक देते हैं या एक बोट लोअर करते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है कैजुअलिटी के पास पहुँचने के लिए। बट ये ऐसा इक्विपमेंट है जो पुराने वाले गोल बॉय को मोटर जो हमारी बोट के इक्विपमेंट के साथ पॉजिटिव्स के साथ जोड़ता है एंड इमीडिएटली हम इसको कैजुअलिटी के पास भेज सकते हैं विद इन हाफ ऑफ अ सेकेंड। इट इज़ वाटर बॉर्न, इसमें कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है। द मोमेंट ये पानी 45 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट करता है इट्स रेडी टू गो एंड ये पानी में जाते के साथ खुद से शुरू हो जाता है एंड एक आदमी जो इसको देख रहे हैं हमारे कैजुअलिटी को वो रिमोट कंट्रोल की मदद से इसको इमीडिएटली कैजुअलिटी के पास भेज सकता है एंड कैजुअलिटी के पास पहुंच के ना कि ये उसको वो कैजुअलिटीज के ऊपर आ सकती है बट ये कैजुअलिटी को वापस भी ला सकता है। अच्छा तो मतलब जैसे ये आपका जो प्रोडक्ट है हम देख रहे हैं, आप आइए हमारे साथ, तो हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे कि ये एक पूरा मॉडल है, इसका वजन क्या होगा, इसका क्या वजन है? इसका 13 kg वजन है। अच्छा, क्या ये सिविलियंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ जो NDRF SDRF की टीमें होती हैं ये उनके लिए आप लोगों ने तैयार किया है? कोई भी इसको यूज़ कर सकता है फर्स्ट टाइम, अगर आपको भी मैं दूंगा फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये सिंपल एक जॉयस्टिक से चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप प्लीज़ आप दिखाएं मुझे। ये इसका रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, इसमें आपने सीधा इसको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट जाएगा, राइट करना है तो राइट जाएगा एंड स्ट्रेट करेंगे तो सीधा जाएगा। मतलब अगर ये हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि कोई बाढ़ में डूब रहा है तो हम उसको ये ऑफर कर सकते हैं, हम उसको ये दे देंगे मदद के लिए, वो इसको पकड़ लेगा और हम इस रिमोट के जरिए, इस जॉयस्टिक जिसे ये बता रहे हैं, इस रिमोट के जरिए हम उसको डायरेक्शन तय करते हुए हम उसको किनारे तक ला पाएंगे। अच्छा हाँ, इसके अलावा इसके और भी बहुत यूजेज हैं। सपोज़ आपका 4 लोग डूब रहे हैं एट अ टाइम, ये उसके उनके पास चला जाएगा। 4 लोग इसके ऊपर 220 kg 200 kg का वेट ये रोक सकता है अपने ऊपर, मतलब एक साथ 4 लोगों की मतलब बचा सकता है। 220 kg तक आप बता रहे हैं, 200 से 220 kg आराम से रोक सकता है। इसके अलावा आप इमीडिएटली कैजुअलिटी के पास कुछ खाना भेजना चाहते हैं कि आपका प्लान बी प्लान सी जो ऑपरेशन है वो आप एक्टिवेट करिए, बट प्लान ए आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ये है। आप कैजुअलिटी के पास खाना भेजिए, दवाई भेजिए, रस्सी भेजिए, आप लाइफ जैकेट्स भेज सकते हैं, आप कुछ भी, इससे जल्दी कैजुअलिटी के पास कुछ नहीं पहुंचेगा, कोई ड्राइवर, कोई बोट, कोई लाइफ बॉय नहीं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर आर, ये घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। अच्छा तो ये इसके जो मोटर्स लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, ये क्या है, ये क्या लगा? इसके 2 टर्बाइन्स हैं जो 12,000 RPM को इसको शक्ति देते हैं। ये इसके यहाँ पर बैटरी है जो चार्जेबल, ये फुली चार्जेबल है, आप कितनी बार भी इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शनल इंडक्शन चार्जिंग है इसके अंदर। हाँ जी, इसकी कीमत आप लोगों ने कुछ तय की है? अभी हम इसके प्रोसेस में है, मोटा मोटा ये अराउंड 5 to 6 lakh के आसपास हम इसको लैंड कराएंगे। ये 5 से 6 lakh के करीब बाजार में उपलब्ध आप करवाने की तैयारी में है, ये अच्छी सौगात हो सकती है देश के लिए, चूँकि देश के कई हिस्सों में हर साल मतलब एक जो बरसात का महीना है जब बाढ़ आती है उस वक्त ऐसी जो किट हैं वो जान की सुरक्षा के लिए, जो इंसानी हानि है उसको बचाने के लिए काफ़ी काम आ सकता है। अगर जैसे बताया जा रहा था कि NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, वो इसे लेने वाली है, कुंभ में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और सिविलियंस के लिए भी ये लोग तैयार कर रहे हैं कि सिविलियंस के हाथ में भी इसे पहुंचाया जा सके, तो ये काफ़ी राहत वाली खबर है और ये काफ़ी राहत देने वाली बात है कि इस तरीके की भी तकनीकों का अब धीरे धीरे भारत के बाजारों में आना शुरू हो गया है, जो आपके हमारे लिए एक राहत की बात है। हम मौजूद हैं एक बॉम्ब सूट के साथ, इस बॉम्ब सूट की खासियत क्या होगी आप सोचिए, क्योंकि होता क्या है कि कई दफ़ा बॉम्ब डिफ्यूज़ करने के दौरान जो जवान रहता है, जो व्यक्ति रहता है, उसको जान की नुकसान तक झेलनी पड़ती है, लेकिन ये इस बॉम्ब सूट की खासियत बताई जा रही है कि बम का धमाका कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर बॉम्ब डिफ्यूज़ करते वक्त भी फटता है तो जो शख्स जिसने इस जैकेट को पहन रखा होगा उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हम इस जैकेट की तमाम खासियतों को समझने की कोशिश करेंगे, कई लोग हैं हमारे साथ जो बताएंगे इसके के लिए। मुझे जानकारी दी गई कि आप इस जैकेट के टेस्ट के लिए आप खुद गए हुए थे। मैं और हमारे सीनियर ऑफिसर से गुजरात पुलिस के हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे जोहानिसबर्ग, उसमें हमने ये बॉम्ब सूट का टेस्ट किया, शॉकवेव इंजीनियरिंग के साथ मिलकर टेस्ट किया है और 3 टेस्ट किए और फ्रेगमेंटेशन टेस्ट भी किया है और उसी मापदंड पर खरा उतरने के बाद हमने इसको परचेस किया था। अच्छा, नहीं
अच्छा, मेरी दिलचस्पी इस बात में है, चूंकि कोई भी आम नागरिक अगर सुनता है कि बम धमाका हुआ और आप इस जैकेट को पहने हुए बम धमाके, तो मतलब किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है? कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ वाकया कि डिफ्यूज किया और फटा हो बम? और नहीं नहीं, इसीलिए तो हमने ये पूरे टेस्टिंग करने के बाद, इंटरनेशनल लेबोरेटरी का परीक्षण करने के बाद ही उसको परचेस किया है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस सूट का हमने परफेक्टली डेमोंस्ट्रेशन किया था और इस सूट खरा उतरने के बाद ही हमने इसको परचेस किया था। तो इसकी जैसे खासियत है कि जो दूसरे सूट होते हैं, जो बॉम्ब सूट होते हैं, और इसमें किस तरीके का आप अंतर पाते हैं आप? देखिए, अंतर तो है कि बाकी अलग अलग कंपनियों के भी बॉम्ब सूट आते हैं, पर हमने जो लिया या हमने जो डिसीजन लिया गुजरात पुलिस ने, वो हमारा ये मानना था कि इसका हमारे सामने ही डेमोंस्ट्रेशन किया जाए, हम खुद ही उसको परीक्षण के दौरान देखें। बाकी अलग अलग कंपनियों का बॉम्ब सूट में टेस्टिंग का सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट देख के लोग देखते हैं कि सर्टिफिकेट प्रॉपर है या नहीं, पर सर्टिफिकेट के बावजूद हम ये परखना चाहते थे कि खुद जाके देखें हमारे सामने ये ब्लास्ट टेस्ट में कामयाब हो रहा है, पास हो रहा है या नहीं। और ये देखने के लिए हमें साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ जोहानिसबर्ग में इसका टेस्ट किया और टेस्ट के दौरान पाया कि नहीं, ये परफेक्ट है, ब्लास्ट टेस्ट में ये पास हो रहा है, तब हमने ये इसका डिसीजन। किस तरीके की जो बम धमाके जो किए गए जो टेस्ट के दौरान, वो किस इंटेंसिटी का? वो अलग अलग टाइप के इंटेंसिटी के थे, प्रॉपर डिटेल तो मैं आपको बाद में ही दे पाऊंगा, पर पूरा जो मापदंड है इसको गुजरात पुलिस इस्तेमाल कर रही है। हाँ, अभी गुजरात पुलिस इस्तेमाल कर रही है। ये है वो जैकेट जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि बम धमाके जो होते हैं उसमें जो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बम डिफ्यूज़ करने के दौरान अगर बम फट भी जाता है तो जो शख्स है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। और कई, जैसा कि बताया जा रहा है कि कई राज्यों की पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है और देश की सेना को भी, और NSU है जो है जो सुरक्षा करती है देश के VVIPO का, उनके लिए भी उनकी सुरक्षा में भी और इस तरीके की देने की बात कही जा रही है। ये वाकई अच्छे पहलू हैं हमारी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, जो आपको जानना चाहिए कि किस तरीके का काम हमारे देश में हो रहा है और किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो तैयार की जा रही हैं और भारत में आने वाले वक्त में क्या तैयार किया जाएगा और कितना फ़ायदा इससे देश को होगा। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से देश में अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ना सिर्फ उपकरण बल्कि आपदा के भी कई चीज़ें हमने आपको दिखाई जो बचाने के लिए आपको इस्तेमाल की जा रही है नागरिक सुरक्षा के लिए। इसके साथ ही देश के जवानों के हित के लिए, देश के जवानों की सुरक्षा के लिए कई तरह के अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। लाइफ सेविंग जैकेट जो मैंने पहन रखा है वो भी काफ़ी अहमियत रखता है देश की सुरक्षा के जवानों के लिए, जो तैनात है जो जवान उनके लिए। दरअसल ये वही जैकेट है जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे थे, ये वो जैकेट है जो चीनी बंदूक से निकली गोलियों को भी नाकाम कर सकता है, यानी कि वही चीन की गोली जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए। आप देख रहे थे भारत तक की खास प्रस्तुति, देखते रहिए भारत तक।